दोस्तों ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है कि बिहार एसआई का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों देख सकते हैं बिहार पुलिस बल में वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक कारक अवर निरीक्षक सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने हेतु लिंक जो है अपडेट कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार एसआई का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसकी परीक्षा 22 दिसंबर को होनी है और आज 3 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस पर करेंगे क्या, एडमिट कार्ड पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। उसमें दोस्तों आपको करना क्या है, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करेंगे या रजिस्ट्रेशन आईडी अगर नहीं मालूम है तो आप जो मोबाइल नंबर दिए थे फॉर्म फिलअप करते समय आप उसको इसमें डालेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड इसमें दिया गया है उसको आप फिल कर देंगे और फिल करने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगी और यहीं पे दोस्तों देख सकते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। अगर आप एक्नॉलेजमेंट अभी तक प्रिंट नहीं किए हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोड प्रीलिम्स एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको यहां पे दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड आपका हो जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार एसआई की एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो चुकी है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 दिसंबर 2019 है। रिपोर्टिंग टाइम जो है 1 बजे है और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 2:30 बजे से 4:30 बजे यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर कंडक्ट होगा। निर्देश दोस्तों दे सकते हैं फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही पहचान पत्र रखें जिसका विवरण अपने आवेदन फॉर्म फिलअप करते समय दिया था। परीक्षा केंद्र में आपकी फोटोग्राफी भी होगी। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी आप अपने साथ सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं प्रवेश पत्र के बिना आपको परीक्षा भवन में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आप सभी जो हैं परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाएं। रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पे अपने साथ वही फोटो पहचान पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन पत्र में दिया है। ये है काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बिहार एसआई का एडमिट कार्ड जो है आ चुका है और आपका पेपर जो है 22 दिसंबर को होने वाली है। दोस्तों ये है काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर नए हैं, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।